वाहन की संख्या बढ़ रही है, हाईवे की क्वालिटी अच्छी होती जा रही है, तो अक्सर जैसे ही खाली जगह दिखती है या कोई अच्छी सी रोड दिखती है तो ऑटोमेटिकली वाहन गति सीमा से अधिक निकल जाता है। तो एक तो अच्छी रोड, गति पे नियंत्रण नहीं, वाहनों की संख्या में एकदम से इजाफा और अनलॉकडाउन होना, ये प्रथम दृष्टया कुछ कारण सामने दिख रहे हैं। और भी होंगे तो उनको और गहराई से विश्लेषण करना पड़ेगा। तो हाईवे के थाने अपने इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल करना, हाईवे के थानों को गति नियंत्रण और ट्रैफिक रेगुलेशन के लिए लगाना, उस पर हमने काम आरंभ कर दिया है और आने वाले समय में और कार्य करेंगे। सबसे पहले तो हम उन स्थानों को चिन्हित करेंगे जहाँ पे अधिक एक्सीडेंट हो रहे हैं। एक आईरेड के मार्फत हर एक एक्सीडेंट, हर एक मृत्यु, हर एक घायल की सूचना ऑनलाइन आके मैप के अंदर आ जाती है। तो उससे जगहों को चिन्हित करेंगे कि जहाँ पे दुर्घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं, दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का चयन के पश्चात उन्हीं स्थानों पे थोड़ा अधिक काम करेंगे। अगर थोड़ी बहुत सफलता मिलती है तो इस कार्य को अन्य स्थानों पे भी विस्तार करेंगे। बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और इसमें सिर्फ पुलिस ही नहीं, पुलिस को लगभग सभी विभागों के साथ मिलके, हमारे थाने के SHOs, प्रशासन के SDM साहिबान, तहसीलदार साहिबान, पटवारी साहिबान, परिवहन विभाग की पूरी टीम, पुलिस की पूरी टीम, इसको मिलके एक एक चीज़ देखनी पड़ेगी। सिर्फ छोटी सी चीज़ की सब स्पीड वाला देख लिया या ओवरलोडिंग देख ली, उससे नहीं चलेगा। वाहन फिट है या नहीं है, परमिट सही जगह का है या नहीं है, ओवरलोड तो नहीं चल रहा, अपने निर्धारित रूट से अलग तो नहीं जा रहा, ओवर स्पीड तो नहीं चल रहा, शराब पी के तो वाहन नहीं चला रहा, कहीं रोड डिफेक्ट तो नहीं है। तो एक्सीडेंट दो तीन कारणों से होते हैं, या तो सड़क डिफेक्टिव है, कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, या फिर वाहन चालक की लापरवाही, शराब पी के चलाएंगे या तेज़ चलाएंगे या ओवरटेक करेंगे। इन चीज़ों को, सभी चीज़ों पे एक साथ सभी विभागों को मिलकर काम करना पड़ेगा। इसके लिए DM साहब के साथ भी चर्चा हुई है, उन्होंने एक बैठक भी कॉल करी है जहाँ पे सारे विभाग मिलके एक साथ इस पर चर्चा करके जो चीज़ें कर सकते हैं, मीडिया का सहयोग और आमजन का सहयोग, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें की जाएंगी ये किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं की जा रही, ये आम जनता के लिए की जा रही है जो डेली सड़कों पे निकलती है। तो जब तक उनसे सहयोग नहीं मिलेगा, उनको ट्रैफिक के नियमों की जानकारी, उनकी जागरूकता और नियमों पे मानने की मन से जो इच्छा होगी वो बहुत महत्वपूर्ण है।